जी सर नमस्कार। दिवाकर सर, तुमने कसम खा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्हीं को गरिया होगे। क्या हुआ सर? लौकिया के किसको लेके आओ, देश को भाई के लेके आए हो? हाँ लेकर आया है उसको, असल में ऐसा लेखपाल कानून को आया, मुकदमा लिखाने की तहरीर दी उन्होंने, उनके साथ अवध विचार किया। किसने? लेखपाल कानून गए, कोई लकड़ी पड़ी, रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, गाँव वाले करीब। मेरी बात सुनो ठीक है ना? जी जी। किसी भी कार्यकर्ता को बोलने से पहले या बिठाने से पहले 1000 बार सोचा करो। नहीं तो ये कामाल लाया किसके लिए गया है? नहीं नहीं ये कामाल कार्यकर्ता, ये हमें आपने पहले थोड़ा बताइए, अगर कार्यकर्ता है तो अगर ये दो घंटे नहीं हमारा श्रीनगर में कार्यकर्ता नहीं रहेगा, उसका बहराइच में रहेगा। नहीं नहीं, मेरा कहने मतलब ये हमें कामाल था, कार्यकर्ता आपका है, अगर पहले जब मैंने फोन किया था। मालूम करने का मतलब पहले आपको ये कम से कम अवगत हो जाना चाहिए कि कहाँ पे कौन रहता है। नहीं नहीं, मेरा कहने मतलब ये, अगर कोई वो मुझे बता दे। बात सुनो ठीक है ना, तुमने पारुल को कुछ कहा, मैंने इसने सवाल नहीं किया ना जवाब किया। किसको? कोई अगर हमारा पारुल जो हमारा अगर का था उसको भी तुमने बंद किया? मैंने नहीं बंद किया, एसडीएम साहब किया था, उनको डांटा था तो जो उल्टी बात कर रहा था पारुल। पारुल नहीं कहेगा, हम नहीं कहेंगे, और क्या ये सफाई और बसपाई कहेंगे? तो साहब एक चीज आओ, क्या हम अगर चौराहे मेरे ही बेइज्जती करेगा तो हम बेइज्जती थोड़ा कराने चला यहाँ पर? नहीं बेइज्जती कराने नहीं आए हो, तो आप बताओ अगर बेइज्जती कराने आए हो। नहीं नहीं, पारुल ने जो एसडीएम साहब से हमसे क्या कहा, वो अगर 50 आदमी बैठे सुनते तो आप भी कहोगे गलत किया। नहीं तो कम से कम हमको बताना चाहिए था, मैं उसको डांट देती है। हमारी सुनेगा नहीं तो के मतलब क्या है? उस आदमी ने एसडीएम साहब ने उसको डांट से कहा कि इसको बैठा लिया सर साहब, दिमाग खराब इसके हो गए। एसडीएम तो बड़े अच्छे हैं ना, वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और नहीं अभी तो मैंने जो वो कानून को लेखपाल आया था वो रास्ता अब उसने दरख्वास्त दिया के अब रद्द कर दिया रास्ता वो। अब ये बताओ ये रास्ता मैं खुद इसको मतलब चक्रोट नहीं है, चक्रोट बंद करवाऊंगी तब क्या करोगे? नहीं नहीं, मेरा कहना मतलब भाई ऐसा ना, एसडीएम साहब कम से कम मेरी बात सुनो, मैं एक्स वाई जेड को नहीं जानती, मैं तुमको लाई हूँ तो तुम जान लो क्यों लाई हूँ। जी अगर वो हमारा मतलब पहले जो हमारा एसओ था वो कोई हमारा विरोधी नहीं था और कोई दुश्मन नहीं था, जबकि मेरी जाति का था और मैं पूर्णतया मतलब उसके साथ थी। वो जाति नहीं था आपका, वो आपकी जाति नहीं था। अरे कुछ भी हो, हमारा दुश्मन नहीं था ना। जी जी ठीक, लेकिन तब भी मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करी हूँ, तुम यही करोगे? लेकिन उसकी औकात नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी कार्यकर्ता को कुछ गलत कहता। मतलब ये बताओ हमें ये नहीं, हमें नहीं। हमें ये मालूम, अगर कोई अगर वो जैसे बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। एक मिनट एक मिनट सर, नहीं सुन लो दोनों परिवार पंडित, एक मिनट सुन तो लो, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मैं आपके पैर छू रहा हूँ। लौकिया में 95% वोट भाजपा को मिलती। जी ठीक, बूथ पे कभी भी सपा हो रही हो, बसपा रही हो, कोई भी रही हो, जी। इस बार 97 मिली, 3 वोटें वो शायद गलत गई हो लेकिन किसी को मिली नहीं। और इस मतलब अगर गांव में अगर ये जातिवाद लाया जाएगा तो ठीक नहीं है। नहीं मेरी मैं आपको पैर छोड़ो, मेरी सही बात सुन लो, मैं आपको बहुत मानता हूँ, अभी सिस्टर मानता हूँ। मानते हो तो काहे बेइज्जती करवाते हो? और खास मेरा कोई नहीं है, मेरी बात। अच्छा तो मुझे ये काम दोनों पंडित परिवार से, मुझे काम किस पार्टी की, लेकिन समस्या है लेखपाल कानून, मैंने लेखपाल कानून गाड़ दिया। एसडीओ साहब बात करें, एसडीओ साहब मैंने कहा मेरी बात सुनो ना, ठीक मुझे मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे कार्यकर्ता को कोई भी अपना आदमी। अच्छा एक काम करो, मैं अभी सुनो तो मेरी बात, वो कोई आदमी उनको हो भेज दो, ले जाए इसको, कल हम बुलाएंगे सुबह तो दोनों पक्ष बुलाएंगे, वो समस्या हम स्वयं देख लेंगे, जाए गाँव में कल। ठीक जाओ, ठीक भेज दो किसी, ठीक और देता है खुद, ठीक कम से कम इतना तो हो जाया करे। अरे मुझे मालूम होता तो मैं कैसे। दिवाकर ये तुम बताओ, जी तुम हमसे मतलब हमारी बेइज्जती करवा के तुम सही रह पाओ? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा ना आज तक अभी लाइव में 29 साल नौकरी हो गई है मेरी बेटी, आज मैं आपको क्या रहे थे? ये तुम बताओ, आपने ये शब्द मेरे बाप ने भी नहीं कहा होगा। सुनो पहले मैडम, ये शब्द मेरे बाप ने भी कहा होगा। जो तुम कर रहे हो वो हमारे बाप ने किया होगा ना? नहीं मैं ऐसी नौकरी नहीं करता हूँ कभी भी। नहीं तुम नौकरी नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो? ये तुम मैंने अपने आपकी बात आप सुनो, नहीं नहीं आप हम ये बात रिकॉर्ड कर ली, मैं इसलिए अगर मैं हटेंगे मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। ठीक आपने मैंने रिकॉर्ड कर लिया अभी आपकी भाषा को, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। आप मेरी बच्ची के बराबर हो, आप मेरी बच्ची बराबर इससे भाषा बोल रही, मुझसे बच्ची के बराबर है, इसके मतलब ये नहीं है कि सरकार की तुम बदनामी। मैं ऐसा है सरकार बेस्ट फैसला आपने करने के बाद लिया तो हम कराएंगे फैसला, आपने मुझसे कहा था कि मैं बेस्ट मतलब ये नहीं है। तुम्हारे बताओ तुम्हारे लोग आए हैं
और ये इनका हम क्या जवाब देंगे? तो आप मुझसे सीधे कहोगे, आप मुझसे सीधे ये कहते हैं कि विश्वास वाला मामला आप निपटा देना, हम नहीं निपटाए, अभी बिजी हो गए, ये कह दी मुझसे। ये तुमसे कहा है, ये हमने तुमसे कहा है कि तुम्हारे प्रकरण में विश्वास जी वाला, तुमने कहा कौन सा वाला, तुमको इतना नहीं नहीं, आपने पहले आपने पहले आप मैं आपको सब सुना दूंगा कि क्या क्या आपने सब तक आप सुन लेना, कि आपने किसी से कोई छिया वाला कह रहा है, कोई राजापुरवा कह रहा है, कोई बसा वाला कह रहा है। आप उससे ये आप से बात नहीं कर रही थी, नहीं सुनो, वो आपस में बात कर रही थी, वो तुमसे बात नहीं कर रही थी, वो तुम जो सुने हो वो तुम्हारा मतलब नहीं था, ठीक। लेकिन तुम कम से कम ये तो समझ लिया करो कि तुम किसको कह रहे हो, फिर बाद में जवाब देते हो हमें। आप पब्लिक के सामने मेरी ऐसी आवाज करेंगे मुझसे आप? मुझसे यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुमने ये क्यों सोचा कि ये पब्लिक, ये पब्लिक दो पैसे पब्लिक मुझसे इनके सामने ऐसी बात करोगे? दिवाकर मेरी बात सुनो जी, ठीक है ना, मैं पब्लिक को अगर कह रही हूँ कुछ तो तुमको अगर तुम्हारे सामने, तो तुम अपने पे क्यों ला रहे हो ये पहले बताओ। नहीं पब्लिक, आप मेरे लिए कहा है शब्द, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज को। तुम रिकॉर्ड की बात छोड़ो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर मतलब हमको अगर तुम्हें सम्मान ना देना होता या बात ना करें? नहीं तो आप मुझसे, आप मुझसे, आप एक सभ्यता इदारे वाले विधायक हो, इतनी बड़ी अच्छी पद पे हो। दिवाकर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती, ये तो पता है, मैं कोतवाली थाने नहीं जाती, ये भी सबको पता है, जितनी सेंस से रहती हूँ ये भी सबको पता है, ठीक है ना। और अगर हजार आदमी हमारे दरवाजे आके हमको सवाल पूछेगा तो मैं तुम्हारे पास जवाब मांगूंगी? आप मेरे पास भेज दिए, ये भेज रहे हैं इनकी काम करना, मैं काम करना करे तो कहना मुझसे, तो ये कल फैसला हो, ठीक। नहीं नहीं आप पहले यही तुमसे कह रहे थे कि कल का फैसला ये हो, आदमी 50 आदमी हमको सुबह से घेरे हैं और उसके मतलब ये एक बुढ़ी औरत के लिए तुम इतना नहीं कर पा रहे, आपने विश्वास अपने पास बुलाया था कि हम फैसला करें उसे जगदीश को? जगदीश को मैंने बुलाया नहीं था, वो हमने किसी को नहीं बुलाया था, मेरी बात सुनो, ठीक, वो दोनों आदमी मेरे थे, तो आपने क्यों कहा मुझसे फैसला कराएंगे? मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा था कि हम फैसला कर लेंगे, उनसे फैसला नहीं हो पा रहा, वो 50 आदमी उधर से और 50 आदमी उधर से मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, तो क्या मैसेज जाता होगा सरकार का, आप बताओ? कि मैंने फैसला कर, आप फैसला कर देना। नहीं मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, वो अलग बात है, तुमने क्या सुना है क्या नहीं सुना वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो चीज़ कह रही हूँ उतना तुम्हें करना है। हम रिक्वेस्ट करने के लिए आप कर नहीं रहा, रिक्वेस्ट करिए, हम गलत भाषा सुन नहीं पाएंगे, बस ये ध्यान रखना। हाँ तो हमारी भी ध्यान देना, मैं तुमसे ये रूही और नमस्ते करके ये मैं पैरों में गिर के तुमसे काम नहीं कर रहा। नहीं मैं आपको सम्मान देता हूँ, सरकार का काम तुम भी कर रहे हैं, सरकार की काम हम भी कर रहे हैं, जनता का काम करना हमारी हम लोगों का काम है। जी जी ये तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात है। और ये कोई मतलब नहीं कि अगर किसी हम और को कह रहे हैं तो तुम अपने रिकॉर्डिंग की है, सुनवा दीजिए, मैं आपको ऑडियो बना भेज दे रहा हूँ, आप सुन लेना उसको। आप मेरी बात सुनो, ठीक, मैं अगर किसी को कह रही हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग की धमकी मुझे मत दो, अगर तो तुम्हारे पास जो नहीं होगा, मैं अगर भी खड़ी हो जाऊँ तो 51% आदमी विधानसभा का खड़े होगा मेरे पास। हाँ तो खड़े होंगे, आप विधायक हो तो खड़े होंगे, हमारे पास थोड़े खड़े होंगे, तो वही तो बात बता रहे थे, उनका काम तुम्हें करना है, इसीलिए तुम वहाँ बैठे हो। जी और अगर हमको समझाने लगे तो समझाना जरूरी नहीं है, हमको तो समझा के नहीं दे पाओगे। मैं समझा नहीं रहा हूँ, रहना मुझे कोई जरूरी नहीं, वो कहीं भी तुम जाओगे सरकार का तुम्हें काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश कहीं नौकरी कर लेंगे, जरूर थोड़ा ठीक नहीं करवा रही है जी, सरकार का काम करना है, सरकार के नीचे रहना है, सरकार का काम जायज होगा वो पाएगा। हमारा पर्सन तुम खेत नहीं जोतने आओगे, न मैं तुमसे खेत जुटवाऊंगी, मैं खेत जोतूंगा नहीं आपका। मेरी बात सुनो ठीक, और ना मैं तुमसे ये कहती हूँ कि मेरे यहाँ घर में आके झाड़ू पोछा करवा के झाड़ू पोछा करवाऊंगी, तो आप मैं काम करने के लिए कह रही हूँ, वो करना पड़ेगा, कर पा रहे तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाओगे जनता का ही सरकार का काम, जो जस्ट होगा विधायक वो होगा हमारे द्वारा, मैं नहीं गलत कर पाएंगे, मैं गलत काम नहीं करवाती हूँ, तुम कहती मैं ऐसे हो, तुमको भी पता होगा कि मैं गलत काम नहीं करवाती, मैं कब कह रहा हूँ, आप दारू वाले को छोड़ दो, हमें तो आप अपनी भाषा में अच्छी लगी, बस भाषा थोड़ा कंट्रोल करो पब्लिक में, जो तुम सुनी हो तुमको मैंने की कह रही थी, तुमको जो मालूम है ना जी, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, मेरी बात सुन लो, तुमको मैं 20 बार समझा चुकी, मुझे अगर तुम्हारे क्षेत्र का मैटर मुझे समझाना पड़े तो तुम क्या कर रहे हो, आप बताइए ना मुझे, आप फैसला जिम्मेदारी आप ले, ये बताओ तुम अभी तक अपने एरिए का ये नहीं जान पाए हो कि किस का विधायक काम करवा रही, किसका नहीं काम करवा रही, विधायक जी का भी तुम्हें पता होना चाहिए, लोकल विधायक सभी याद नहीं होते हैं। कर मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं और कुछ नहीं जानती, मैं सही का काम करती हूँ, सही का ही साथ देती हूँ, मैं ना दो नंबर का काम करती हूँ, ना
चार नंबर का काम करती हूँ। इससे तुम्हें जनता का काम करना पड़ेगा, कहीं भी रहोगे उत्तर प्रदेश में, कहीं भी रहोगे जनता का काम और सरकार का करना पड़ेगा, तो सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, ठीक ये मेंटेलिटी दिमाग में डाल लेना। बूढ़े हो इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम सरकार का काम नहीं करोगे, और या हम बच्चे हैं तुम सरकार का काम नहीं करेंगे। तो मेरे तो मेरे सरकार का खा रहे हो इसलिए सरकार का काम करोगे। तो आप थोड़ी भाषा को भी सही करो, पहले हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी भाषा सही कर लो, कल को जाओ। लेकिन हमें इसलिए मतलब नहीं है, लेकिन जो काम कर नहीं हो दरवाजे पर तुम्हारे वहाँ की 50 आदमी हमारे पास खड़े होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ठीक, सही से काम नहीं कर पा रहे इसलिए चार लोग हमारे दरवाजे खड़े हैं तुम्हारे वहाँ। वो तो आएंगे, वो तो पैसे ही आएंगे, आपके पास ना काम हो तब भी आएंगे, काम हो तब भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बातें हमसे ना बताया करो जी, जिसका काम नहीं होगा वो हमारे पास क्या चुंबक थोड़ी लगा दे सबके गा के। आपने जिम्मेदारी ली भाई, आपने जिम्मेदारी ली ना इस चीज करने के, हम करवाए फैसला। मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम क्या करवा आपने क्या। अरे भाई आपने मुझे फोन किया कि मैं इनका फैसला करा दूंगा, मेरे पास भेज दो, दोनों पक्ष गए आपके पास। हमारा मतलब ये नहीं है, हमने जो कहा है वो करो, उनका कल का कल फैसला हो जाना चाहिए। और मुझे मतलब धमकी देने की कोशिश मत करना आइंदा से। तो मुझसे से डरती नहीं हूँ, तो मैं डरती नहीं हूँ, और मैं जनपद में कोई गलत काम करती नहीं, और एकमात्र ऐसी महिला विधायक है जो कभी गलत काम नहीं करती और किसी से डरती नहीं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन भाषा अपनी सही बोलो, भाषा ऐसी मत बोलना कभी किसी के लिए। करो तुम हमारी विधायक ऐसा तुम्हें कभी जीवन में मिला नहीं होगा। मैं ऐसी भाषा नहीं सुनना चाहता, मैं ऐसी नौकरी करता हूँ, ठीक है। तो तुम नौकरी अपनी करो, हमारी विधानसभा से जाओ, अपना आराम से करो जाके। हाँ, पक्का बिल्कुल। मैं 50 बार तुमको टोकूंगी और कहूंगी भी नहीं, आप काम बताइए कि 10 बार कहिएगा वो काम जो सरकार ने तुम्हारे पे दिया है। नहीं नहीं जो लेकिन अभी ये तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या है। आप 10 बार कहिए लेकिन भाषा सही करके। भाषा कोई मतलब नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो, तो हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश ना करो। मैं सुनने के लिए नहीं पहुंच चुका हूँ आपकी। मैं एक सुनने के लिए पोस्ट नहीं हो, तुम्हें काम करने के लिए पोस्ट हो, ठीक है। वहाँ बैठने के लिए पोस्ट नहीं हो, ठीक ठीक। जो तुम हमारे सर पे बप्पा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप भाषा वही रहेगा, आप हमसे इसी भाषा मत बोलना कभी भी। जो मिला है वो सही से करो, और नहीं कर पाओ तो कल के कल यहाँ से जाओ। नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो तो कहीं चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे नीचे रह के मैं कहा जनता की बात सुनूं। तो हमारे वर्मा जी को इसलिए कहा था कि आपने मन का लाना कि वहाँ कोई अच्छा इंसान हो, और इसलिए तुम्हें लाए थे, लेकिन तुम उससे खड़े तो खड़े बिल्कुल एक चवन्नी का पैसा नहीं काम कर रहे हो। चलो ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास वही है कि बातें कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, कौन सी विधायक ने बात बताई है उसको फिर सफाई दे, फिर तुम्हें विधायक बताए कि कहाँ से कहाँ क्या हुआ, फिर तुम जानोगे, क्योंकि तुम्हें कोतवाली से तो निकलना नहीं है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, तुम मीटिंग की बात कोतवाली के बाहर निकलते नहीं हो, तुम जानोगे क्या क्षेत्र के बारे में। अच्छा आप मालूम है, अपनी निकलते हैं। जो अपनी भाषा अपने पास रखना और दिमाग सही करके काम करना, ठीक है। सरकार का काम कर रहे हो, मेरा बस में काम नहीं कर रहे हो। आप हमसे लांगे सही करोगे, अच्छी बात करोगे, सही सब काम होंगे, जस्ट काम करेंगे। कुछ नहीं काम हो रहा, दो महीने से क्या काम हो रहा बताओ। कुछ नहीं, बताती हूँ, स्पष्ट मैं करती हूँ तुमको, उसकी बात बताती हूँ, पूरा मैं लिखित दूँ तब तुम काम कर पाओगे। धमकी देने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं डरती हूँ। तो मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। मैं किसी को कभी डरती रही, सरकारी नौकरी करते हो, सरकार के नौकर हो, ठीक है ना। मेरे पर्सनल नौकर नहीं हो, मेरी पर्सनल कोई काम यहाँ नहीं है, मैं पर्सनल काम नहीं कराती तुमसे। ठीक, सरकार के नौकर हो, सरकार का काम करोगे, और वो